हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी ना हम लोग अचानक वहाँ निकल रहे हैं, मतलब कि जगदलपुर जा रहे हैं। मेरा जो मोबाइल है ना, जिस कारण से मैं मतलब डेली वीडियोस नहीं बना पा रहा था, ये मोबाइल को बनाने अभी जा रहे हैं। कोंडागांव शॉप में गए तो वहाँ बोले कि आप लोग वहाँ पे सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, वहीं पर बनेगा करके। तो अभी निकले हम लोग जगदलपुर सर्विस सेंटर में, तो बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। हेलो गाइस, तो मैं ना अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे जगदलपुर में। अभी करीबन 5 किलोमीटर बाकी है, बहुत दूर आना पड़ा यहाँ पे। ओके, तो अभी जाके दिखाऊंगा कि क्या क्या मतलब कि मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है। वैसे तो डिस्प्ले गया है, लेकिन अभी सेंटर में जाके पता करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, बने रहे इस वीडियो में लास्ट तक। 10 किलोमीटर हम लोग ना सर्विस सेंटर ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा। आप लोग ये पास, आप लोग साइड में देख रहे हैं, न्यू नारायण टॉकीज यहाँ पे मतलब बताए थे। ये पास आके पूरा उधर से राउंड गए थे, लेकिन नहीं मिला। फिर से आप मैप में भी ढूंढ रहे हैं, मैप से का मतलब मैप में भी ढूंढ रहे हैं, मैप का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर से एक बार हम लोग कॉल करके देखते हैं, फिर पूछ लेते हैं कौन पास है। ओके, तो बने रहिए। तो गाइस, काफ़ी मतलब कि समय के बाद यही पास ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें नहीं मिल रहा था। बस मैंने मतलब कि ये पास आए थे, खड़े होके देख रहे थे, साइड में मुझे इधर देखा, MI आप देख सकते हैं, इधर MI लिखा हुआ। तो मुझे मतलब कि दोस्त मतलब दिखाया था, जिसके साथ आया हूँ, अपने मोबाइल से दिखाया था, फ़ोटो लिया था। तो मैं समझ गया कि ये सर थे, कि यहाँ पे आके देखे। तो ये अभी हम लोग, तो गए हम लोग अभी सर्विस सेंटर आ गए, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं। हम लोग सीधा हम चित्रकूट साइड से घूमते जाएंगे, ये नहीं देखा इसलिए उसको दिखाने जा रहा हूँ। लेकिन इसका फेस भी मैं नहीं करूँगा बोल रहा है, क्योंकि ये बता दूँ पबजी वाला है। ओके, तो हम लोग अभी जाने वाले हैं। बताएं कि मतलब एक सप्ताह के बाद आना पड़ेगा मोबाइल लेने। तो अभी आधा परसेंट मतलब कि 5000 के आसपास पेमेंट कर दिए हैं ऑनलाइन। ओके, तो फिर आने के दिन बताऊंगा आप लोगों को कब कब क्या है कैसे। तो ओके, बने रहिए। अभी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसका चित्रकूट के और निकलेंगे। तो गाइस, हम लोग ना अभी जगदलपुर से निकल रहे हैं चित्रकूट की ओर। सामने इधर आप देख सकते हैं बड़े से तालाब है, जिसका नाम है जगदलपुर में बहुत काफ़ी फेमस है, उसका नाम है दलपत सागर, जो कि पहले ज़माने के मतलब राजा महाराजा मतलब जगदलपुर के राजा बनवाए थे इस मतलब तालाब को, इसे दलपत नाम से फेमस है। राजा का नाम भी था दलपत, तो इसके कारण से तालाब का नाम भी रखा गया दलपत सागर। आपको दिखा रहा बहुत बड़ी तालाब है, लेकिन हम लोग बीच में उस साइड से भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं चित्रकूट की ओर, बने रहिए। ओके, सो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं चित्रकूट, और अभी हम लोग जा रहे हैं आपको फ्रंट से दिखाएंगे, बैक से दिखाएंगे, फ्रंट बैक से दिखाएंगे। अपन को भी नहीं पता यहाँ का मतलब क्या रहे ना, इंडिया का सबसे इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल, मतलब कि चौड़ा में वाटरफॉल है। आपको दिखाएंगे अभी चित्रकूट, अगर आप भी नहीं देखे हो ना, आ जाइए यहाँ पे देखने के लिए। वैसे अपन, मैं भी पहली बार आया हूँ, एक्चुअली मुझे भी नहीं पता क्या होता है यहाँ का, क्या सीन होता है मुझे भी नहीं पता। ये तो 2-3 बार आया, इसको पता होगा। हाँ, 2-3 बार आया, 3 से 4 बार आया, 4 नहीं 5 प्लस ही होगा। तो बैक से दिखाते हैं आप। तो गाइस देख लीजिए अब इसके पीछे का नज़ारा चित्रकूट का। तू बोलो, तू बोलो। हम्म,
किसी ने देखा था। सो गाइस क्या बोलूं यार, समझ नहीं आ रहा यहाँ का। बस देख लीजिए, द्वारा भी मतलब कि बरसात मतलब पानी कम है, इस कारण से हम उतर भी चलते हैं। शायद हम लोग आगे जाके देख रहे हैं, शायद सीढ़ी से उतरने के लिए क्या उतर के देखेंगे नीचे का नज़ारा क्या फायदा। मतलब अपन को भी नहीं पता, वैसे पहली बार आए मतलब जाके देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि ब्लॉग वाला चैनल वाले ही है। मुझे क्या पता रहेगा, अपन तो भाई ये बार है बैटल ग्राउंड इंडिया वाले। उस दिन आए थे लेकिन इधर नीचे इधर आए नहीं थे, बस वही पास वैसे काम हो रहा था काफ़ी एडिटिंग, वैसे अभी पहुँच रहे हैं, शायद उतर रहे हैं उधर सीढ़ी साइड से, आप लोग को दिखाएंगे उतर के। और अगर यहाँ पे आते हो ना किसी और जगह से अगर रुकने के लिए, इधर होटल है साइड में, आप रह सकते हैं आराम से। हाँ देख रहे हैं आप होटल, अगर आप किसी और स्टेट से आते हो ना यहाँ पे देखने के लिए, अगर आपको रुकना है तो मतलब कि रुकने वाला जाने वाला नहीं। गाइस आप यहाँ नीचे आएंगे तो मतलब सीढ़ी से नीचे आना पड़ेगा आपको, ऐसे तो नहीं करते। अभी हम लोग नजीक ना आप देख रहे थे पानी, जहाँ पे पानी गिरा उसके लेवल पे हम लोग जाएंगे, नीचे जा रहे हैं अभी सीढ़ियों से, और नीचे जाके आप लोग को पूरा व्यू दिखाएंगे। और बीच में मंदिर सारे हैं, मुझे नहीं पता मतलब शिव मंदिर है यहाँ, पूजा उदा करते हैं, मतलब कि हर एक मोड़ पे एक एक मंदिर है छोटे छोटे। तो गाइस फाइनली अपन नीचे उतर चुके हैं, लोग लग रहा था नीचे उतरने का रास्ता उस्ता नहीं है, तो इसने बताया कि रास्ता तो था लेकिन रास्ता है लेकिन परमिशन नहीं देते, मतलब बरसात के पानी के कारण से भरा होगा, इस कारण से उतरने के लिए मना परमिशन नहीं देते, इस रहते बट ऐसे नहीं है, लेकिन पानी उतर के पास तक नहीं पहुँच रहा, हम लोग जा पाएंगे वहाँ तक। कहाँ तक जाएगा भाई, कहाँ तक नहीं मतलब जहाँ पे डूबेगा तक होगा वहाँ तक जा सकेंगे। तो गाइस हम लोग ना ऊपर से नीचे आ गए, अभी हम लोग नीचे का पूरा व्यू दिखाएंगे, एंड आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे कितना नजारा, थोड़ा मतलब कि मस्त यार, एकदम वाटरफॉल एक नंबर है मस्त। और यहीं रुक जाऊं घर बना लूं बोलते क्या बता है, उतना दूर से आए, अगर पास का होता ना इस पास में अपना घर बना लेता शायद रोज। लोग हैं इतना दूर है, मतलब कि इन लोग इंसान है, आप देख कितने नीचे हैं देख लीजिए यार, ओपो ने कितना घूम होते ना, चल रहा है प्यार मोबाइल दिस करो मैं। तो गाइस आप देख लिए इधर नजारा, आप उधर आप ऊपर में देख रहे हो ना, जैसे कि ऐसे लग रहा है कि आसमान से बारिश हो रही है, मतलब आसमान से बारिश पानी गिर रहा है ऐसे लग रहा है कि। तो भाई ये पास चलो अपन यहाँ जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। ये तो गाइस हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ओके स्टूडियो से अभी सामने लड़की लोग चल बंदे।
लेकिन मैं बिगड़ा हुआ हूँ, बता दूँ बिगड़ा हूँ। ओके सो अंदर जाके पूजा कर रहा है क्योंकि भक्त है हनुमान जी का। हाँ क्यों नहीं, ओके तो गाइस पूजा वूजा कर लिया, अब ऊपर जाते ये गिरने वाला। ओके तो गाइस पूजा वूजा कर लिया, अब चलो ऊपर की ओर जाते हैं। ओके तो गाइस फाइनली अब जाने का टाइम हो गया गाइस। कुछ क्या बोले, कास्ट तो बताने के लायक नहीं है, मतलब इसी नहीं है वो यहाँ का। वैसे देखने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं। अगर इसका पार्ट टू आएगा, अभी तो पार्ट वन है, पार्ट टू में आपको अभी ड्रोन के साथ पूरा व्यू दिखाएंगे। ड्रोन के साथ आएंगे ना, पूरा ड्रोन दिखाएंगे और आपको एकदम मस्त वंडरफुल। अभी इस चित्रकूट को टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया, ये टाटा करेगा अपन टाटा। थोड़ा पेट पूजा किया जाएगा, लाया है नाश्ता कराता है नहीं कराता, मैं लाया हूँ तो नाश्ता भी करा के। अरे आज की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ओके okay.